हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल BMS इन्फोटेक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जाके सबसे पहले बेल आइकन दबाइए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक कि मैंने पिछली वीडियो में अपने नॉन आईपी कंट्रोलर्स के बारे में बताया था कि नॉन आईपी कंट्रोलर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से मॉड्यूल हैं अपने। ठीक है, आज आपके सामने हैं RPC 12, जो कि आईपी कंट्रोलर है। ठीक, ये इसको डायरेक्टली आईपी बोल सकते हैं, लेकिन ये एज ए ऑटोमेटिक जनरेट करता है अपनी आईपी। ठीक है, तो पहले हम कंट्रोलर के इसके बारे में बताते हैं कि RPC 12 है क्या। RPC 12F 24 वोल्ट। ठीक है, 24 वोल्ट पे आपके सारे कंट्रोलर्स जो भी चलते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि आपको लाइन पॉजिटिव नेगेटिव 24 वोल्ट अर्थ, ठीक है, रिटर्न रीसेट की आपकी यहाँ पे, इसको रीसेट करना, अगर इसको रीसेट करना है आपको कंट्रोलर को, यहाँ से आप 3 बार डिप कीजिएगा, इसका सारा सारा डेटा जो है वो निकल जाएगा। नाउ ये आपको RS-485, अगर कोई आपको मोडबस पे कोई प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, मोडबस पे आप कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी डिवाइस को, आप यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके 2 पोर्ट हैं। अब और ऊपर आपके सामने है DO पॉइंट, यानी रिले आउटपुट, जो अपने डिजिटल आउटपुट होते हैं वो आपके सामने यहाँ पे हैं 4 DO कॉमन, DO2, DO3 कॉमन, DO4। ठीक है, दो DO1 DO2 का कॉमन आपका बीच में है, DO3 DO4 का कॉमन आपका बीच में। ठीक है, अब आते हैं नीचे, ये आपका डिवाइस, डिवाइस का मतलब आपका ये जो आपको कन्वर्ट कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, आपके सॉफ्टवेयर के साथ। देन आपका Ethernet 1, Ethernet 2 एंड USB होस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है UB की सीरीज, UB 1, 2, 3, 4, 5, 8। इसमें सिर्फ 8 तक आपके यूनिवर्सल इनपुट होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इनपुट आउटपुट, ये था आपका RPC स्पेस लॉजिक। ठीक है, और मेन आपकी की क्या चीज़ें हैं, ये एज ए मॉड्यूल की तरह इसको यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट 8 ही होते हैं यूनिवर्सल, DO के 4 होते हैं, और ये जो वर्क करता है वो MPC 36 MPC की सीरीज के साथ ही वर्क करता है। ये आपको ASP के साथ वर्क करेगा, ASP आप कॉन्फ़िगर करोगे, ASP को कॉन्फ़िगर करने के बाद उसकी जो लैन है वो डायरेक्ट आपके ईथरनेट पोर्ट में आएगी, तब जाके आपको ये ऑनलाइन शो होगा। अदरवाइज आप इसको सिंगल पीस को आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वो आपका पॉसिबल नहीं है, आपको ये ASP के साथ ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका RPC 12। अगली वीडियो में हम आपको कंट्रोलर के बारे में बताएंगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले कंट्रोलर्स के बारे में स्नाइडर के आपको बताया जाए कि क्या होता है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताएंगे कि इसको सिस्टम के साथ सिस्टम में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, आप थैंक यू फॉर वॉचिंग।